सब कोई परेशान है, लेकिन नेटवर्क का काम आता है मार्केट में, लोग सबसे पहले WTR चेंज किए नेटवर्क आ जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस सही नहीं है। आपका बेसबैन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, IMEI है कि नहीं, ये सब आपको लेके चलना है। आपका 2GPP आपको काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कब आपको कौन सी IC उठानी है? हाँ, उठानी है। आपको सर ने पूरे डिटेल में बताया? पूरे डिटेल में बताया। इतने फॉल्ट्स आते हैं, इतना प्रॉब्लम होता है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है आफ्टर क्लास कोई फ़ोन हाथ लग जाए सर नेटवर्क वाला, उसको बनाने का है फ़ोन जो है। सर ने बहुत डीप नॉलेज दिया है, एक एक के पॉइंट कैसा करना है, कितनी सप्लाई आनी चाहिए, सब कुछ IC ही नहीं होती, बराबर उससे पहले उसका बहुत सारा खेल हो जाता है। सिंपल वे में नेटवर्क को क्लियर किए, मतलब जिसका अंदाजा भी नहीं था, मतलब सबको जैसे बोल रहे ना, कल रात में सबका टेंशन था कि इतने, मतलब रात को 1 बजे तक ये भाई जल्दी सो जाओ, कल नींद पूरा होगा तो अच्छा से समझ सकते हैं, लेकिन सुबह आने के बाद सब कुछ बहुत आराम से हुआ। पूरा डीप मतलब सॉकेट से, मतलब एंटीना पैड से लेकर के CPU तक का पूरा सेक्शन हम लोग को बताया गया, मतलब हम इसमें बनाए भी है, एक बाद में देख सकते हैं, मतलब पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सब कुछ है। यानी आज से पहले नहीं लगता था सर कि नेटवर्क एकदम हार्ड जाता था सर, पर आज ऐसा लग रहा है कि कोई भी आए ना नेटवर्क का तो एकदम इजीली हम बना लेंगे सर। वोल्टेज की टेस्टिंग भी की आपने? यस सर। फ्रीक्वेंसी कहाँ आती बनती है हमारी, वो भी टेस्टिंग की है ना, उसका टेस्ट पॉइंट भी मालूम है हमको। यस सर, जो बताने का तरीका था, खंड खंड में जो है विभाजित कर दी, कि हम लोग को लगता था कि 10 किलो का वजन है, अच्छा अभी लग रहा है कि जो है 5 ग्राम। करनी है तो आज तक लोग दो ही चीज़ समझते होंगे, या तो वोल्टेज या GR दो से ही चेक होता है, तीसरी पद्धति आज तक किसी को मालूम नहीं होगी, और मल्टीमीटर शायद जो रिपेयरिंग कर रहा है उसकी दुकान में होगा या नहीं होगा उसका भी अंदाज़ा नहीं है, और दो चीज़ों के बाद भी अगर नेटवर्क नहीं आता है तो हमारे पास आना हम कर देंगे। वेरी गुड, ब्लेसिंग। पहले तो पता चलता था पूरा शॉर्टिंग है नेटवर्क, पूरा कंफ्यूज, हर चीज भी मारती जो सब बीप पे मारते रहते थे। आप सब समझ में आ गया सर, WTR PFO 2G 3G। सर मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? CPU निकालना हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं। हमारे साथ है 28 नवंबर की बैच। यस सर। भाई हो कि नहीं हो? यस सर। क्या सेक्शन था हमारा आज? नेटवर्क सेक्शन। yes, पढ़ने से पहले टफ लग रहा था? yes, sir. बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। और पढ़ने के बाद? इजी इजी। यस सर। क्या लेवल पे पढ़ाया आज आपको? चित्रंजन बताइए क्या लेवल पे पढ़ाया आपको नेटवर्क? क्या लेवल पे पढ़ा आपने? कौन कौन से सर्किट देखे आपने बताओ मेरे को, कौन कौन से सर्किट देखे आपने? MTK देखा? MTK देखा, कॉलकम देखा, WTR वाला भी देखा है ना, MT61 वाला भी देखा आपने, SDR भी देखा है ना, और WTR भी देखा आपने, और S9 भी देखा। ठीक है, पूरे सर्किट देखे ना? पूरा सर्किट देखा। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है अर्शद, बताइए कैसा रहा आपका नेटवर्क सेक्शन? सर पहले बहुत हार्ड जाता था, अच्छा जस्ट सर ने जैसे बताया सर, तो सबसे आसान नेटवर्क ही लगा। सबसे आसान नेटवर्क लगा जी सर। ठीक है, और बात करें वोल्टेज की, बात करें फ्रिक्वेंसी की, तो कोई दिक्कत आएगी तुमको? नहीं सर, कोई भी आपका सिग्नल कहाँ से आउट होगा, कहाँ से इन होगा? सर ने एकदम अच्छे से समझाए कहाँ से, यानी वोल्टेज आएगा कैसे कैसे, वोल्टेज कौन से कितने कितने वोल्टेज चाहिए, वो सर ने एकदम इजीली बताया। आपके ट्रांसमीटर IC होती है जिसको हम RF IC भी बोलते हैं, जिसको हम WTR भी बोलते हैं, और 61XX भी बोलते हैं, S9 भी बोलते हैं। अच्छा ये बताइए मेरे को, अगर आपने चार RF IC चेंज कर दी जी, अगर उसके बाद फिर आपको जो एक फाइनल स्टेज करना होगी, तो उसका प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया आपने? जी सर कर लिया आज। आज कर लिया पूरा? इंजीनियरिंग टेक्निक से बनाया आपने पूरा है ना, बताना नहीं है किस टेक्निक से बनाया, तो फिर हमारे साथ फॉल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? जी सर आज ऐसा लग, यानी आज से पहले नहीं लगता था सर क्या नेटवर्क एकदम हार्ड जाता था सर, पर आज ऐसा लग रहा है कि कोई भी आए ना नेटवर्क का तो एकदम इजीली हम बना लेंगे सर। नेटवर्क को इजी किया हमने? ठीक है, चलिए ठीक है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम है इनका दीप। यस सर। दीप बताइए
आज आपका नेटवर्क सिग्नल कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा सर। सबसे पहले तो हम लोगों को यही चेक करना होता है कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। एक मिनट, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप कितने समय से काम कर रहे थे? सर मैं तो 2015 से लगातार 2015 से, और अभी चल रहा है 2021, 6 साल हो गए मान लूँ मैं इसको, 6 साल से आप काम कर रहे थे, तो 6 साल का नेटवर्क और अभी जो आज आपकी क्लास हुई उसमें क्या फ़र्क लगा आपको? सर बहुत, क्या चीज़ें आपको नहीं मिली? सर लाइनों का ज्ञान ही मेन है, लाइनों का ज्ञान, वोल्टेज का ज्ञान, यही सब चीज़ें हैं जो हम लोगों को पहले नहीं थी। केवल थोड़ा बहुत जो आईसी चेंज करके बस देख लेते थे, उससे ज़्यादा हम लोग ज़्यादा नहीं करते थे नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क में सारा सेक्शन ग्राउंड ही मिलता था हम लोगों को, और प्रेजेंट टाइम में हमको क्या चेक करना है ये सर से हम लोगों को पास मिला। तो आपको वोल्टेज की टेस्टिंग भी की आपने? यस सर। फ्रीक्वेंसी कहाँ आती बनती है हमारी, वो भी टेस्टिंग की, वो भी टेस्टिंग है ना, उसका टेस्ट पॉइंट भी मालूम है हमको। यस सर। है ना, हम DSO या फिर एक्सक्लूसिव मल्टीमीटर से हम उसको, CRO वाला जो मल्टीमीटर होता है हम उससे चेक कर सकते हैं। एक कंपोनेंट भी बहुत जरूरी है, अगर वो निकल गया तो आपका पूरा सेक्शन आप चेंज करते रह जाएंगे, लेकिन नहीं होगा। नेटवर्क को आपको बाईपास करना भी बताया, बाईपास करना बताया कि नहीं बताया? यस सर। बाईपास करना बताया आपको? यस सर। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? यस सर। आपकी एंटीना लाइन से आपको कहां तक बाईपास करना वो बताना नहीं आपको, बाकी बाईपास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? यस सर। आपके मल्टी कंपोनेंट, जो बहुत सारे कंपोनेंट जिसको बोलते हैं, अगर वो निकल जाए आपके मोबाइल से तो उसको आप बाईपास कर सकते कि नहीं कर सकते? यस सर। ठीक है, 100% कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। कहां फ्रीक्वेंसी आएगी, कहां हमको GR मिलेगा, कितना GR मिलेगा, कहां वोल्टेज मिलेंगे, पूरा दिमाग में छपा कि नहीं छपा? ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है अब्दुल्ला। सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड ब्लोइंग क्लास भी है ना कि बोल नहीं सकते भाई, सही बोल रहे हैं ये क्या? यस सर। सर बिल्कुल, जिस भी स्टूडेंट से आज मैंने कोई इनको दावत तो नहीं दी कि रात को भैया तुम अच्छा रिव्यू दोगे तो बिरयानी की दावत दूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं सर, लेकिन बिरयानी खानी है। क्लास ऐसा था सर कि कल रात में हम लोग परेशान थे, स्पेशली मी, कि कैसा जाएगा क्लास, अपना नेटवर्क सेक्शन है, इतने फॉल्ट्स आते हैं, इतना प्रॉब्लम होता है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है आफ्टर क्लास कोई फोन हाथ लग जाए सर नेटवर्क वाला, उसको बनाने का है फोन जो है। सर ने बहुत डीप नॉलेज दिया है, एक एक के पॉइंट कैसा करना है, कितनी सप्लाई आनी चाहिए, सब कुछ आईसी ही नहीं होती बराबर, उससे पहले उसका बहुत सारा खेल हो जाता है उसी में, तो पूरा डीप नॉलेज मिला है वहाँ पे। सर ने हम लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाया कि अगर तुम्हारा ये पॉइंट ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, टेस्टिंग तुमको किस किस कंडीशन में करनी है, एवरीथिंग नेटवर्क के बारे में पूरा डिटेल दिया है आपको, डायरेक्ट सॉल्यूशन भी दिए, डायरेक्ट सॉल्यूशंस बहुत दिए कि तुमको चेक करना है स्टेप बाय स्टेप, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये नहीं कि नेटवर्क का प्रॉब्लम आया WTR उखाड़ दिया पूरी चीज़ें डिटेल के बारे में डायरेक्ट सॉल्यूशन सर ने बहुत दिया है, और ट्रिक्स जो है ना जो हम लोगों ने कभी सुनी नहीं थी, सोची नहीं थी, ऐसी ट्रिक्स मिल रही है, बहुत ज़बरदस्त सर, मज़ा आया। ट्यूजर से नेटवर्क कौन कौन बना सकता है भैया बताओ मेरे को, ट्यूजर से नेटवर्क कौन कौन बना सकता है? ट्यूजर लगा के बना सकते हैं? गजब सर, मज़ा। ठीक है चलिए, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, आगे आइए, बताइए विजय कैसा रहा नेटवर्क सेक्शन, सब चीज़ें समझ में आई आपके? मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के बारे में, मॉड्यूलेशन भी समझ में आया, डीमॉड्यूलेशन भी समझ में आया, RX भी आया समझ में, और TX भी समझ में आया। भाई आप तो तुम है ना इंजीनियरिंग लैंग्वेज वाली भाषा में बात कर रहे हैं, है ना, अब ये मत बोल देना कि 100 में DSO की लाइन हम चेक करने के लिए 100 पे चेक कर टेस्ट पॉइंट पे देखते हैं, ये मत बताना जनता को, इसका लेवल मत बताओ भाई, है ना, तो ये है ना, ये हमारा लाइव देख के सीख जाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, बताइए। सर पढ़ाई बहुत अच्छी रही, सर कुछ जो बताने का तरीका था, खंड खंड में जो है विभाजित कर दी, कि जो हम लोग को लगता था कि 10 किलो का वजन है, अच्छा अभी लग रहा है कि जो है 5 ग्राम सही बात है सर, जो नेटवर्क सेक्शन में बहुत सारे लोग फंसते थे, हम लोग तो कम सम बनाते थे, फिर भी हम लोग को रात को नींद नहीं हुआ कि आखिर नेटवर्क सेक्शन इतना बड़ा है, मगर जब पढ़े तो बहुत छोटा सा नजर आया। चलिए ठीक है, ठीक है, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, आइए भाई आगे, श्रीमान छत्री, कैसा रहा भाई आपका नेटवर्क सेक्शन आज का? सर बढ़िया रहा सर, सुपर सर। तो उसका सुपर का जो आपने वहाँ पे पढ़ा, जो आपने देखा, तो उसके बाद आपने यहाँ आके डायग्नोस करा कि नहीं करा उसको, आपके मोबाइल की PCB पे डायग्नोस करा कि नहीं करा? हाँ डायग्नोस करा सर, डायग्नोस करा। सर ने बताया थी मतलब वो लाइन कहाँ से कहाँ जाती है, हम लोग कहाँ कहाँ ट्रेस करने हैं, तो उन्होंने मतलब वो जो टिप्स दिए थे कि हम लोग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने बताया कि यहाँ यहाँ ट्रेस करना, यहाँ यहाँ मिलता है, वहाँ यहाँ मिलता है, तो सोल्यूशन भी बताए थे सर, और हम लोग को फिजिकली देखने मिला सर। चलिए थैंक यू वेरी मच जी, कैसा रहा क्लास आपका? बहुत बढ़िया सर,
क्या 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 अच्छी चीज़ लगी बताओ, आप भी कुछ समय से काम कर रहे हो उसके ऊपर। सबसे अच्छा तो मुझे बेसमेंट का नॉलेज मिला, मुझे पता नहीं था बेसमेंट ऐसे कहाँ होता है। मेरे हफ्ते में एक दो बार तो सेट आते थे, वापस ही जाते थे। और जब नेटवर्क आ गया तो RF केबल चेंज करके करते था अगर हो गया ठीक है, नहीं तो जंपर मार के ठीक है। तो अभी मुझे पूरा नॉलेज लाइनों के बारे में नॉलेज हो गया, पैड टू पैड कैसे काम करना है, IC के पैड कितने वोल्टेज आने चाहिए, वो भी पूरा नॉलेज मिला। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, बताइए कैसा रहा आपका सेक्शन? सर बढ़िया, आज की क्लास सर बहुत बढ़िया रही। सर स्टार्टिंग पॉइंट सर उसका जो नया सर PCB का पॉइंट होता है सर, उसकी क्या वैल्यू है, वायर की क्या वैल्यू है सर, RF का क्या एरिया सर, और उससे ऊपर सर सब कुछ क्लियर सर। सर कल रात तक तो बड़ी कंफ्यूजिंग हो रही थी कि यार कैसा जाएगा सर, लेकिन सर आज अब सुबह की क्लास से अब तक सर सब डाउट क्लियर हो गए। तो दिमाग में कोई डाउट तो नहीं लेके जा रहे हो तुम? सर डाउट तो कुछ नहीं है सर, बस अब बस माइंड में ये आ रहा है कि सर जल्दी से शॉप पे जाएं और सर फोन आए उसके फोन क्लियर करें सर, बस यही है। ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है इम्तियाज, बताइए भाई कैसा रहा क्लास आज? आ जाओ। क्लास सर बहुत बढ़िया था, एक्चुअली बहुत बड़ा सेक्शन है, नेटवर्क का जो सेक्शन है बहुत बड़ा है, लेकिन सर उसको इतना सिंपल वे में समझा दिए कि पूरा एकदम दिमाग में छप गया है कि कोई कौन सा IC में क्या है, वोल्टेज है कि कौन सा में GR है, क्या है क्या नहीं, सब कुछ क्लियर हो गया। और देव सर के बारे में एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि वो सर जब एंट्री करते हैं सीधा पेन लिए और ब्लैकबोर्ड में जाते हैं, मतलब कल अगर गूगल मैप से पाकिस्तान भी गायब हो जाएगा ना तब भी सर को फर्क नहीं पड़ेगा, या उस बारे में सर हम लोग के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई उसके सिवाय कुछ नहीं। मतलब सर बहुत अच्छे हैं, इतना सिंपल वे में नेटवर्क को क्लियर किए हैं, मतलब जिसका अंदाजा भी नहीं था। मतलब सब कोई जैसे बोल रहे ना, कल रात में सबका टेंशन था कि इतने मतलब रात को 1 बजे तक ये भाई जल्दी सो जाओ, कल नींद पूरा होगा तो अच्छा से समझ सकते हैं, लेकिन सुबह आने के बाद सब कुछ बहुत आराम से हुआ, पूरा डीप मतलब सॉकेट से मतलब एंटीना पेड से लेकर के CPU तक का पूरा सेक्शन हम लोग को बताया गया। मतलब हम इसमें बनाए भी है एक बाद में देख सकते हैं, मतलब पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सब कुछ है इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे मतलब इसको हमको बनाने में मुश्किल से आधा 20 मिनट लगा होगा। हमारे को पढ़ाने का जुनून है तो बच्चों को सीखने का जुनून है, और हम पढ़ा इसलिए बेहतर पाते हैं, हम इनकी छोटी सी काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग के बाद इनको हमको फीस से मतलब नहीं होता है, हमको स्टूडेंट को देने से मतलब होता है। एशिया टेलीकॉम के बैनर के अंदर अगर कोई स्टूडेंट आता है तो वो हमारी जवाबदारी हो जाती है, हमारी रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है। हाँ सर, और एक चीज़ हम आप लोग व्यूअर लोगों को बोलना चाहते हैं, बहुत सारे व्यूअर सोच रहे होंगे कि अभी न्यू ईयर है अभी नहीं आना है, न्यू ईयर के बाद आएंगे, तो भाई न्यू ईयर का चक्कर में मत रहो, अभी और 30 न्यू ईयर आने वाले और बहुत अच्छा से न्यू ईयर होगा। मतलब उतना टाइम तुम लोग गोवा और न्यू ईयर जा करके न्यू ईयर मना सकते हो, लेकिन इस साल तुम लोग आकर के एशिया टेलीकॉम में न्यू ईयर मनाओ, तब नेक्स्ट ईयर तुम लोग गोवा या अच्छा जगह अच्छे से अच्छे जगह जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच व्यूअर, जो भी आप देख रहे हैं इम्तियाज की आप बात सुनिए जी, बोले कैसा रहा भाई नेटवर्क का? बस बढ़िया सर। और गुजरात की जनता देख रही है, आपकी फैमिली वाले भी देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे आप? बस नेटवर्क सेक्शन में अगर पढ़ाई करनी है तो आज तक लोग दो ही चीज़ समझते होंगे, या तो वोल्टेज या GR, दो से ही चेक होता है, तीसरी पद्धति आज तक किसी को मालूम नहीं होगी, और मल्टीमीटर शायद जो रिपेयरिंग करा है उसकी दुकान में होगा या नहीं होगा उसका भी अंदाजा नहीं है, वो दो चीजों के बाद भी अगर नेटवर्क नहीं आता है तो हमारे पास आना हम कर देंगे। वेरी गुड, ब्लेसिंग भाई इनके लिए। हमारे एक और स्टूडेंट है। यस सर। हाँ, इनकी तबीयत थोड़ी सी आज खराब है, मैंने गलत बोल दिया, घर वाले देख रहे हो तो बोले टेंशन हो गया। इसीलिए आपकी नेटवर्क की क्लास सर बहुत अच्छी नेटवर्क बढ़िया थी। यस, तो जो कुछ वहाँ पे पढ़ा यहाँ समझ में आया कि नहीं? सब समझ में आया सर, रात में तो बहुत टेंशन था कि नेटवर्क की क्लास कैसे जाएगी क्या है, लेकिन अब सब क्लियर हो गया है, कोई टेंशन, बहुत अच्छी क्लास थी यार। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है विजय जी, बताइए कैसा रहा क्लास आपको? आज का तो बहुत बेस्ट रहा, बेस्ट क्लास रहा जी सर। चलिए ठीक है, सब चीज़ें समझ में आई आपको? जी बिल्कुल सर। आप जबरदस्ती रिव्यू तो नहीं दे रहे? नहीं सर, हमारे भाई देख रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, आइए। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, कमल नाम है इनका, कमल सोनी, बेसिकली बिहार से ही है, वो अपनी बिहारी लैंग्वेज में बताएंगे क्या है नेटवर्क के बारे में, बताइए। बहुत मस्त रहा सर, पहले तो पता चल रहा था पूरा शॉर्टिंग है नेटवर्क, पूरा कंफ्यूज, हर चीज भी मारती जो सब बीपे मारते रहते थे, आप सब समझ में आ गया सर, WTRPFO 2G 3G। बहुत मस्त रहा सर। और उसके बाद फिर आज ये भी मालूम पड़ा कि मतलब वो PFO पे वोल्टेज नहीं आते तो क्या करना पड़ता है जी। लाइव प्रैक्टिकल करा तुमने जी? चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है गुजरात से हैं। यस सर जी, बताइए। जी सर, बहुत बढ़िया क्लास रही हमारी, नेटवर्क सेक्शन था सर, एक नंबर, सब आ गया।
सब आया, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। प्रैक्टिकल किया कि नहीं आया? प्रैक्टिकल किया। क्या आपने प्रैक्टिकल? यस सर। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है वेस्ट बंगाल से, थोड़ा आइए बताइए। देखो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, कितने समय से काम कर रहे हैं? पाँच छः साल। आज कितनी प्रकार की नई चीज़ें मिली आपको इस क्लास में? सर बहुत सारा कुछ मिला है सर। सर नेटवर्क मार्केट में अभी हवा बना हुआ है, नेटवर्क नेटवर्क लेकर सब कोई परेशान है, लेकिन नेटवर्क का काम आता है मार्केट में, लोग सबसे पहले WTR चेंज कीजिए, नेटवर्क आ जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस सही नहीं है, आपका बेसबैंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, IMEI है कि नहीं, ये सब आपको लेके चलना है। आपका 2GPF को काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है, कब आपको कौन सी IC उठानी है? हाँ उठानी है। आपको सर ने पूरे डिटेल में बताया? पूरे डिटेल में बताया, सब कुछ बताया सर, एकदम बेस्ट ट्रिक दिया है हम लोगों को, एकदम जबरदस्त, बड़ा वाला काम छोटा कर दिया, एकदम छोटा ट्रिक में काम कर दिया। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है पंजाब से बेसिकली, बताइए कैसा रहा आपका क्लास? बहुत अच्छा रहा सर जी। यार भाई ऐसे ही बोल रहे हो कि मतलब हवा में बोल रहे हो कि मतलब सब बोल रहे हो तो तुम भी बोल रहे हो? सर बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने, GSM पैड से लेके 2G 3G IC 4G IC और RF IC पे कब काम करना है ये सब बताया, और बाईपास कैसे करना है अगर किसी में वोल्टेज नहीं आ रही, सब समझ में आया सर। तो उसका प्रैक्टिकल किया कि नहीं आया? यस सर किया। क्या ये क्लास में आती? क्लास में भी किया और सर वहाँ पे भी सर ने बहुत कम से कम 15 बोर्ड। सर खाली ब्लैक बोर्ड वाला नॉलेज देते हैं कि मतलब उसको एक्सप्लेन भी करते हैं, समझाते भी है, PCB पे भी बताते हैं, बहुत अच्छे ट्रेस पॉइंट ट्रेस करके भी बताते हैं, वोल्टेज की रीडिंग बताते हैं, और अगर फ्रिक्वेंसी आ रही तो फ्रिक्वेंसी बताते हैं आपको, ये सब बताते कि नहीं बताते हैं सर? बहुत एक एक जीरो से लेके लास्ट तक बता रहे हैं सर, अगर आपने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और एंड कहाँ पे करना है। और जाते जाते क्या करवाते हैं सब चीज़ का? सब चीज़ का रिवीजन करवाते हैं सर, रिवीजन करवाते हैं कि मैंने सवेरे 12 बजे क्या पढ़ाया था, 11 बजे 11:30 बजे क्या पढ़ाया था, और अभी 6 बज रही तो 6 बजे तक मैंने क्या क्या पढ़ाया, इसका रिवीजन भी करके जाते हैं। बिल्कुल करवाते हैं। लंच पे जाते हैं कितनी देर का टाइम देते हैं? लंच पे ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, बस कई बार तो 20 मिनट का मिलता है, ईमानदारी से 20 मिनट का मिलता है, और 20 मिनट के तुम्हारे पहले सर आ जाते हैं, आ जाते हैं राइट। पंक्चुअलिटी सर की कैसी, एनर्जी कैसी है, पढ़ाने का तरीका उससे ज़्यादा है, जब सुबह आते हैं तो ऐसे लगता है कि हम बिल्कुल फुल एनर्जी में, और जाते टाइम भी वो फुल एनर्जी में रहते हैं। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, आइए भगवान। यस सर। क्या एक्सपीरियंस रहा भाई आपका आज का? सर बढ़िया था, नेटवर्क का सेक्शन था सर, बढ़िया है सर, समझाया कौन सा 2G 3G IC है, कौन सा 4G पे, कौन सा पे काम करना है, 4G अगर नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर 2G 3G आ रहा है 4G नहीं आ रहा है, कौन सा IC पे काम करना है, अपना टेस्टिंग करना है, उसके बाद अगर वोल्टेज आ रहा है तो देखना है उसमें टेस्टिंग करके कौन सा हमें काम करना। बात करूँ मैं आपकी, मोटा मोटा 15 दिन हो चुके हैं तुमको यहाँ आने को? यस सर। 13 दिन हो गए? यस 13 दिन में। तो 13 दिन में किसी दिन ऐसा तो नहीं लगा कि मैं गलत इंस्टीट्यूट में आ गया हूँ, मेरी फीस बर्बाद हो गई, ऐसा नहीं, लगा नहीं, सर ऐसा नहीं लगा सर, जितनी नॉलेज इसके बारे में था नहीं सर, वही तुम्हारे को बिहार के 10-20 लोग मेरे को सामने दिख रहे हैं यहाँ पे लाइव दिख रहे हैं, तुम्हारा तुम अगर बोलोगे तो तुम्हारी बात मानेंगे ये। ये सही बात है सर, पहले तो कंप्लेंट कुछ जानते नहीं थे, जितना वीप निकला सबको उठा कर फेंक देता, अभी तो पता चल रहा है कौन सा को निकालना है कौन सा को नहीं निकालना है। तुमको वोल्टेज का नॉलेज मिला जी, तुमको GR का नॉलेज मिला जी, किस सर्किट को कहाँ तक जम्पर करना है उसका नॉलेज मिला, तुमको फ्रिक्वेंसी का नॉलेज मिला। यस सर, है ना, नहीं तो पहले तो डायरेक्ट 5 WTR तुमने अगर बदल दिया उसके बाद भी नहीं तुम्हारा सेट बन रहा है तो तुमको क्या करना है, उसका नॉलेज भी मिला कि नहीं मिला? उसका भी मिला, उसका भी एक कैपेसिटर सर, उसका भी चेक करना है, चेक करने के बाद देखना है सर उसमें वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है, उसमें मत बताओ उनको, तरीका आ गया ना? यस सर, बस दैट्स इट, बात खत्म। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, थोड़ा आगे आइए। लेटर से आज, हाँ बहुत मस्त मजा आया, अच्छा मजा आया, बहुत बोलने चाहिए डे बाय डे इंक्रीज, भारी को हल्का करा कि नहीं करा? बहुत हल्का हो गया, हल्का हो गया, यही बड़ा था हल्का हो गया थोड़ा। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है बेसिकली बिहार से हैं, बताइए भाई। सर नेटवर्क का सेक्शन था, बढ़िया समझ में आया, ट्रेसिंग भी है। ट्रेसिंग भी क्या समझ में आया? जी सर आया, तो सर ने पढ़ाया पूरा समझ में जी आया, बिल्कुल आया। जबरदस्ती रिव्यू तो नहीं दे रहा? नहीं सर नहीं। अच्छा दिल से बोलो भाई, पूरी क्लास कैसी रही क्लास? बहुत बढ़िया। क्या बोलोगे देव सर के लिए? अरे निकले हो पर हम यहाँ पे जाएंगे, कितने वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर? 1.8। तो इसका मतलब इसको 2 वोल्टेज मिल रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेटवर्क नहीं, मेरा नाम है देवसनाथ। नेटवर्क पढ़ाते पढ़ाते खो जाओ,
पागल हो जाओ, नेटवर्क सेक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको आ रहा है, हाथ खड़े करके बताओ। हाँ, वोल्टेज बताए और यहाँ पर बताया है हमने इनको फ्रिक्वेंसी नेटवर्क सेक्शन में, और बताया है कि कितना एक एक इम्पोर्टेंट है कॉम्पोनेंट, और वो सारी चीज बताई है जो आपने कभी यूट्यूब में जिंदगी में नहीं देखी होगी। यहाँ पर WTR समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो अब देखो ये हटा रहा हूं और हेडिंग डाल रहा हूं SDR और MediaTek 61। इसको फिर से रिवीजन कर ले, आप लोग करना, मैं नहीं बोलता। मुझे बताओ, अगर आप ये आईसी को डायग्राम में ढूंढते हैं तो ये आईसी कितने फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी? ए पे कौन सी सप्लाई, बी पे कौन सी सप्लाई? और मुझे बताओ, अगर ये कोई से भी फॉर्म में आए ए बी या 1 2, तो आपको आईसी के अंदर क्या पढ़ना है बताइए? कितने वोल्टेज और 1.8, दोनों में क्या लगे होंगे सीरीज में? रजिस्टर। आपने सिर्फ, आपको क्या लगानी है फोन पे? सिम। चलिए बताइए, आज किसकी क्लास रही आज हमारी? आज हमारी सर नेटवर्क सेक्शन। नेटवर्क सेक्शन कैसी रही आज आपकी नेटवर्क सेक्शन? एक नंबर, समझ में आ रहा है सारा कुछ। चलिए, अभी आपके पास कौन सा फोन है जिसमें आप ट्रेस कर रहे हैं? रेडमी नोट 5 प्रो है सर। नोट 5 प्रो है, तो हमें आप ये बताइए कि इसमें नेटवर्क सेक्शन RF कौन सी लगी है? HDR 660। तो आप पहचान के बता पा रहे हो कि SDR लगा है, WTR लगा है, कि क्या लगा हुआ है? SDM CPU के साथ कौन सा लगा होगा, SM CPU के साथ क्या लगा होगा, PFO RF, ये सब पहचान पा रहे हैं जो मैं अभी बातें कर रहा हूँ आपसे? PFO को देख करके पहचान जाएंगे, 2G PFO 4G PFO कौन सा है, सब कुछ पहचान जाएंगे। कैसा रहा ओवरऑल आज का सेक्शन? समझ में आ रहा सारी चीजें? बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, अभी आप ट्रेसिंग कर रहे हैं इसका? यस सर। कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए सब कुछ प्रॉपर सर ने बताया? कैसी रही आज की क्लास? समझ में आ रहा सारा कुछ? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। अब क्या कर रहे हो सर? जियो फोन की ट्रेसिंग। जियो फोन की, तो जियो फोन जैसा आप बोल रहे हो जियो फोन, तो जो इसमें कौन सी RF लगी हुई है? WTR। तो जियो फोन की WTR और यहाँ पे अगर हम 5A की WTR में बात करें तो कोई अंतर है क्या? नहीं सर, कोई अंतर नहीं है। सप्लाई दोनों की सेम है, कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए ये सब आपने प्रैक्टिकल किया हुआ है? अगर फर्क होगा तो नोज कट का फर्क होगा, कितना वोल्टेज 1.8, कितना 2.8, कितना 1.1 वोल्टेज, ये सब कुछ आप चेक कर रहे हो? सर अभी चेक कर रहे हैं। अभी डाटा सीट बना रहे हैं उसका? हाँ जी सर। अभी तो कैसे रही नेटवर्क सेक्शन आज? बहुत अच्छी रही सर, प्लस नेटवर्क अभी हमें ये भी मालूम चल रहा है कि पैड से भी नेटवर्क खराब हो सकता है। पैड से भी WTR पे जाके काम करना है। ओके, नीचे जो डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहा है डायरेक्ट सोल्यूशन पे भी हो सकता है। तो ये WTR अब क्यों निकालना है, कब निकालना है, ये आपको पता है? बहुत लास्ट में निकालना है, एंड में चेक करके निकालना है कि एक्चुअल में हमें WTR निकालना है। इससे पहले 2G पे कब काम करना है, 4G पे कब काम करना है और WTR पे कब? PFO पहचान में आ रहा है, RF और PFO पहचान में आ रहा है। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो इसमें भी हमारा WTR लगा हुआ है जियो में। तो क्या जियो और 5G या फिर स्मार्टफोन में कोई अंतर है क्या WTR में? WTR लगा, SDR लगा या MediaTek का जो भी है, तो उस पहचान जाएंगे अभी आप नेटवर्क से ट्रेस कर लेंगे? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? नोट 5 का इंटरसेक्शन लग रहा है। ये नोट 5 है? हाँ सर। तो नोट 5 नेटवर्क सेक्शन अब आप ट्रेस कर रहे हैं? हाँ सर। तो कैसे रही आज नेटवर्क सेक्शन आज हमारी? बहुत अच्छा था सर, ए टू जेड। जहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा था, अब वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा आपका? नहीं आएगा सर। नहीं आएगा? हाँ। क्या दिक्कतें आ रही थी नेटवर्क में जो अब दिक्कत नहीं आएगी? नो सर्विस, ओके, कॉल सो ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था। ओके, बहुत सोल्यूशन मिल गया आपने। तो अब हमें डायरेक्ट ऐसा तो नहीं कि कोई भी फोन आएगा तो सीधा WTR चेंज करेंगे? ऐसा नहीं सर। क्यों चेंज करेंगे, क्या क्या स्टेप्स होता है, ये सारा कुछ बताया गया आपको? PFO और RF पहचान जाएंगे अभी आप? इजली पहचान जाएंगे। कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, कब हमें क्या चेक करना चाहिए, सारा कुछ बताया गया यहाँ पे? हाँ।
1.8, 2.8, 1.1, 1.4, 1.0 वोल्टेज कब कहाँ पे आना चाहिए? कौन सा आईसी में दो वोल्टेज आना चाहिए? ओके ओके आईसी में 3 वोल्टेज मालूम हुआ सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। इधर आप देख सकते हैं ये हमारे बैकअप के स्टूडेंट हैं, ये बैकअप के लिए आए हुए हैं सारे स्टूडेंट। और मिथिलेश जैसा कि आपने लाइव में देख लिया, ये हमारे मिलन सर, दीपक सर। चलिए क्या कर रहे हैं अभी आप? पैड लाइन बनाया डब्ल्यूटीआर। पैड लाइन आपने बनाया? तो ये जो आपने डाटा सीट बनाया है क्यों, किस लिए बनाया है, क्या रीज़न है कि आप इस डाटा सीट बना रहे हो? डब्ल्यूटीआर निकालने का उसका पैड लाइन का जानकारी देगा। ओके okay. आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है, क्योंकि हम बार बार डब्ल्यूटीआर चेंज कर रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो हम पैड का नॉलेज होना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है, जरूरी है। तो अभी आपने जो एक बार मेहनत की है, अगर आपको दोबारा कभी आता है तो देख करके आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? सीधा देख लेंगे कि हमें 4 नंबर पिन पे, 5 नंबर पिन पे किस बॉल पे कितना जी आर आ रहा है, कहाँ पे ओएल आ रहा है। तो कैसी रही आज नेटवर्क सेक्शन, समझ में आया सारी चीज़ें? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? तो फिलहाल अगर हम WTR बात करते हैं, अगर SDR लगा, WTR लगा, RF PFO, ये सारा कुछ विद प्रैक्टिकल मिला है कि ऐसे ही मिला है? सारा का प्रैक्टिकल मिला है। तो कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, 1.8, 1.0, 0.4, ये सारे वोल्टेज जो भी आने चाहिए कहाँ पे मिलने चाहिए, सारा प्रैक्टिकल देखा आपने? सारा प्रैक्टिकल सर ने दिया। तो अभी कैसा लग रहा है भैया? बहुत अच्छा लग रहा है सर। समझ में आ रहा है सारी चीज़ें? चलिए ठीक है, ट्रेस करिए। आप क्या कर रहे हैं अभी? पेड लाइन से PFO तक जो लाइन जा रहा है उसका हम ओवरऑल, आज हमारा नेटवर्क सेक्शन की क्लास थी जी। तो PFO जैसा कि आपने लिखा है, PF, RF, यहाँ पे अब ये PFO 2G, PFO 4G, PFO देख करके पहचान जाएंगे? एक बार में पहचान जाएंगे। इसमें जो प्रॉब्लम आता है, लोग सीधा WTR चेंज करते हैं, तो हमें WTR कब चेंज करना है ये आपको पहले उसका वोल्टेज चेक करना वो है। चलिए ठीक है, सोल्यूशन तो ठीक है, यूट्यूब में बहुत डला हुआ है। हम आपकी पर्सनली बात करते हैं, तो ओवरऑल कैसा आज का सेक्शन? सर ने जिस तरह से बताया है और समझाया है, एकदम दिमाग में बैठ गया है। दिमाग में बैठ गया, कहाँ पे कितना वोल्टेज चेक करना चाहिए, कितना चाहिए, किस पे कितना जी आर आना चाहिए, पेन लाइन भी बताया गया है हमको। ओके ओके, तो सारा चीज़ आप ट्रेस कर रहे हैं अभी? जी सर। ओके, SDR लगा, WTR लगा है कि MTK में कौन सा होता है, सब कुछ बताया गया आपको? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं? कनेक्टिविटी चेक कर रहे हैं एंटीना की। कनेक्टिविटी चेक कर रहे हैं, क्या लगाया है उसमें? WTR लगा है। WTR देखते पहचान जा रहे हैं? यस। तो अब हमें WTR चेंज कब करना है, ये उसका रीजन पता चला आज आपको? यस सर। कैसे नहीं कि नेटवर्क नहीं, नो सर्विस आ रहा है, सीधा WTR चेंज किया? नहीं, हमें कब चेंज करना है, कब नहीं चेंज करना है, वो प्रॉपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओवरऑल कैसी रही आज की क्लास? समझ में आ रही सारी चीज़ें? ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं? कौन सा फोन का कर रहे हैं? ये फुल पैड का है। फुल पैड का कर रहे हैं जी। तो नेटवर्क सेक्शन समझ में आ रहा सारी चीजें? प्रैक्टिकल जो सर ने पढ़ा है, जो वो प्रैक्टिकल तौर से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सर मिल रहा है सर, वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं अभी, हम सप्लाई चेक करके इसका जो भी है वो। अब प्रॉब्लम जो आएगा उसको फाइंड आउट कर पाएंगे? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। आप क्या कर रहे हो अभी? सर चेक कर रहे हैं। क्या लगा हुआ है इसमें? WTR लगा हुआ है। तो WTR मैं सबसे यही पूछ रहा हूँ कि WTR ऐसा तो नहीं, नो सर्विस है, सीधा आप WTR चेंज कर दो? नहीं सर, ट्रेसिंग करना पड़ेगा। ट्रेसिंग करने के बाद सर अगर हमें कहाँ पे कितना कितना वोल्टेज आना चाहिए सब कुछ बताया गया यहाँ पे? यस सर, वही बताया गया, सब कुछ ट्रेसिंग कर रहे हैं। ओके ओके, कंटिन्यू करिए सर। क्या कर रहे हैं? स्टार्टिंग से जियो फोन का पूरा ट्रेस कर रहे हैं। जियो फोन को आप ट्रेस कर रहे हैं? तो फिलहाल आज हमारी नेटवर्क सेक्शन की क्लास थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, पैड लाइन से लेकर के सारा एंटीना से हर एक चीज़, RF, PFO। तो इसमें जो WTR लगा हुआ है बेसिकली, तो इसका WTR और हम किसी स्मार्टफोन के WTR की बात करें तो दोनों में अंतर है क्या? खास ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ये सिर्फ 4G फ़ोन है, लेकिन बाकी जो है 2G 3G पे चलता है, तो इसमें 2G 3G का कोई सेक्शन नहीं है। बाकी okay. जो फ़ोन रहता है उसमें 2G 3G का सेक्शन रहता है। इसमें हमारा PFO और RF, हमारा जो ये RF और PFO है इसको हम पहचान जाएंगे? आराम से पहचान जाएंगे। कैसी रही ऑलमोस्ट आज की क्लास? बहुत बढ़िया था सर। हम लोग का क्या होता था ना, काम करने के टाइम में सिर्फ WTR और HDR में ही काम करते थे, लेकिन अब पता चला कि नहीं, 2G 3G का भी कितना रोल है और 4G का भी कितना ज्यादा। बेसिकली अगर हम WTR की बात करें, हमें WTR चेंज कब करना है, कब नहीं करना है, वो ऐसा नहीं कि सीधे आया WTR उठाएं लगा दिए, वैसा नहीं है। सारा वोल्टेज मेजरमेंट देखने के बाद WTR हमें चेंज करना है, टाइम बेस बचेगा। मतलब वो भी सेकंड थर्ड फेज है, स्टार्टिंग में नहीं है कि आज डायरेक्ट WTR के पैड्स कितने इंपॉर्टेंट है? सर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पैड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक रजिस्टर भी अगर कोई गलती से उठा देता है तो भी नेटवर्क नहीं आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल कैसी रही आज की क्लास? बहुत बढ़िया सर, मतलब नेटवर्क सेक्शन इतना टफ था, हम कल रात जल्दी सोए कि नहीं बहुत टफ ये है क्लास होगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, लेकिन सर इतना इजीली उसको समझा दिए, मतलब फ़ोन को ऑन करके ही हम लोग को आधा चीज़ समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है। खोलने से पहले पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत बढ़िया था सर। यहाँ पे सारे टीचर सपोर्ट करते हैं? सारे टीचर सपोर्ट करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं घूम रहे हैं ये कर रहे हैं, सब कोई सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, बेसिकली आप जो सोच के आए थे वो मिल रहा है आपको? बिल्कुल सर, उससे ज़्यादा ही मिल रहा है। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। ओके सर, थैंक यू। क्या कर रहे हैं अभी आप? नेटवर्क सिस्टम ट्रेस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सारी चीज़ें? कैसी रही ओवरऑल आज की क्लास? क्लियर है? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। थोड़ा आवाज़ शांत करा दो। हेलो, बताइए क्या कर रहे हैं अभी आप? किसका मॉडल है ये? ओप्पो F1S है। तो जो आप इसमें काम कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आता है मार्केट में नेटवर्क से रिलेटेड, उसको फाइंड आउट कर पाएंगे अभी आप? फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैसी रही आज की नेटवर्क सेक्शन क्लास? क्लास बहुत अच्छी रही, नेटवर्क में जो जितना टफ सेक्शन बताया जाता है जी जी, यहाँ पर उतनी आसानी से होता है। बताया गया सारे प्रैक्टिकल तौर से बताया गया कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए कि बस ऐसे ही थ्योरी बेसिस पे? प्रैक्टिकल तौर पे थ्योरी भी बताया गया, प्रैक्टिकल भी बताया गया लाइव। तो ओवरऑल कैसा, क्या बोलना चाहेंगे यहाँ? एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि एक लाइन में ही आपको समझ में आ जाएगा इतना। जी 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 जी, एक ही लाइन में। तो बेसिकली आप काफ़ी टाइम से काम भी कर रहे होंगे, तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस और वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत अलग ही है, और यहाँ पर एक ही लाइन में आपको समझा दिया जाता है कि आपको क्या करना क्या है। वे अच्छा समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, आप जो ट्रेस कर रहे हैं वो मिल रहा है आपको? यस सर, मिल रहा है, अभी ऐसे हटा के ट्रेस करना है इसको। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? फाइवे है उसका, नेटवर्क सेक्शन को ट्रेस कर रहे हैं, फाइवे का है जी सर। तो इसको आपने जो ट्रेस किया हुआ है बेसिकली एंटीना पैड से लेकर के सब कुछ, ये सारे कंप्लेंट मिले हैं आपको? जी सर, है क्या ये एंटीना मिला हुआ है, ये सारे हैं, ये PFO तक आप पहुंच गए यहाँ पे 1.8। ये वोल्टेज भी आपने चेक किया है? जी सर। तो हमें कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए? अगर एक वोल्टेज भी हमारा नहीं आ रहा है 1.8 या 4 वोल्टेज भी नहीं आ रहा है, तो हमारा नेटवर्क एक्टिव, PFO या RF हमारा एक्टिव नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ प्रैक्टिकल मिला कि नहीं मिला? जी सर, प्रैक्टिकल भी मिला जी सर, ने इतने अच्छे से समझा सर। जैसे सबसे आसान तो मुझे सबसे पहले हार्ड मुझे नेटवर्क लगता था। ओके। और आज सबसे आसान मुझे नेटवर्क लग रहा है, ऐसा जैसा छोटा बच्चा रहता है सर। जी वैसे ही लगा। तो कहने का मतलब ओवरऑल आज की क्लास आपको पूरी प्रॉपर समझ में आई, तब आप क्योंकि बेसिकली हम नेटवर्क जब हम चेंज करते थे, देखा कॉलकॉम CPU WTR SDR लगाया, उठाया सीधा, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। तो अब होने ना होने का कारण हमें WTR कब चेंज करना है वो प्रॉपर, अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप WTR उठा दोगे, नहीं, नहीं, अब ऐसा नहीं है सर। अब उसमें सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चेक करोगे, क्या हो रहा है, क्या कंडीशन बन रही है, तभी जाके आप करेंगे। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। क्या कर रहे हैं अभी आप? दो फोन को एक साथ ट्रेस कर रहे हैं। और ये क्या बना रहे हैं आप? ये WTR 2965 का पूरा स्ट्रक्चर है, डाटा शीट बना रहे हैं। डाटा शीट कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपको जब तक आपको पैड्स की जानकारी नहीं होगी आप तुक्के में काम कर रहे हैं क्योंकि आप बार बार WTR को चेंज कर रहे हैं। अगर वो लाइन हमारी मिसिंग है, अंदर हमारी CPU की लाइन अगर मिसिंग है, तो आप कितना भी आप WTR चेंज कर लीजिए तो काम करेगा क्या? नहीं सर। अब आपने दो बार WTR लगा लिया, एक बार WTR आप निकालेंगे जहाँ पे आपका डाउट है, तो आप उसमें क्या चेक कर लेंगे? उसमें मैं पूरा वोल्टेजेस देखूंगा। सर ने बताया है कि अगर तुमको नेटवर्क से इशू आता है तो तुम फोन आधा ही चेक करके बता दोगे, देख के तभी तुम बता दोगे, डायग्नोस करके बता दो। डायग्नोस करोगे तो आपको आईसी सॉल्यूशन नहीं होता है चीज, जो हवा बन गया है मार्केट में। WTR ना नेटवर्क आया सीधा WTR, तो ऐसा नहीं है। हमें उसके पैड की भी जानकारी होनी चाहिए, हमें उसके वोल्टेजेस की जानकारी होनी चाहिए, हमें उसके PFO में RF में कितना वोल्टेज आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सारा कुछ डायग्नोस करने को मिला? पूरा सर मिला। हाफ नॉलेज बहुत डेंजरस होता है भाई, फोन्स बहुत डेड होते हैं, आपको जब तक पूरी जानकारी नहीं रहेगी आप सही से काम नहीं कर सकते। ओके, तो अभी ओवरऑल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि अभी आपका हार्डवेयर कंप्लीट होने वाला है, फिर आपका सॉफ्टवेयर होगा, फिर उसके बाद MMC, क्योंकि आप यहाँ पे फुल कोर्स कर रहे हो, तो एक फोन को आप पूरा डायग्नोस करना जान जाओगे कि एक फोन अगर फॉल्ट है तो वो कहाँ से है। ओवरऑल अभी तक की क्लास कैसी रही आपकी? बहुत सही रहा सर, कल रात में हम लोग मतलब के जी स्पेशली मी के नेटवर्क का इशू है तो ऐसा प्रॉब्लम होगा सर, बताएंगे समझे गए। लेकिन आज सुबह से जब से क्लास स्टार्ट हुई सर ने ऐसा सेक्शन वाइज कर दिया ना उसको कि अलग अलग कर दिया, सिंपली बता दिया, डीप नॉलेज कहाँ पे क्या एंड तक, इसके आगे कुछ नहीं है। नेटवर्क का दिक्कत है तो यही चीज़ है। अच्छा, चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। चलिए जी, आप क्या कर रहे हैं?
ट्रेसिंग कर रहे हैं तो ओवरऑल जो आप ट्रेस कर रहे हैं तो समझ करके कर रहे हैं तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा आज का नेटवर्क सेक्शन का पढ़ाने का तरीका कैसा रहा दियो सर समझ में आ रही सारी चीज़ें चलिए ठीक है कंटिन्यू करिए क्या कर रहे हैं ये आपका है नहीं सर मेरा यहाँ सर अच्छा ये आपका है तो कैसा रहा ओवरऑल आज का हमारा नेटवर्क सर अभी आज का बहुत बढ़िया रहा सर जी अभी हम लोग का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग को नेटवर्क में लगता था ओके ओके हम लोग ये कर आप तो अभी फ्रेशर भी हैं तो अभी आपको थोड़ा सा और मेहनत भी करना है हम जैसा कि बार बार आप देख रहे हैं पर फिर आप ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है कि अब हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे नेटवर्क सेक्शन सर नेटवर्क सेक्शन में हम कर पाएंगे काम जी जी क्योंकि अभी हम तो फ्रेशर है जी जी आ, तो लेकिन यहाँ पे मतलब सारा नॉलेज तो भर गया तो अभी भी फ्रेशर है क्या अभी फ्रेशर नहीं है फ्रेशर अच्छा। आया था जी तो जी अभी जी। मतलब काम करने लायक बना के यहाँ से जा रहे हैं ओके ओके तो आप जो सोचे थे वो मिल रहा है आपको उससे ज्यादा मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है चलिए ठीक है कंटिन्यू करिए चलिए क्या कर रहे हैं ट्रेसिंग करके आप बनाएंगे टाटा सीट बना रहे हैं तो ये जो आपने एंटीना पैड से बनाया हुआ है ये सारा कुछ ट्रेस करके बनाया पीएफओ आरएफ बीक्यू ये सारा कुछ ये आपने बीक्यू से कहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए पीएफओ 4G पीएफओ 2G पीएफओ 2G 3G पीएफओ ये सब पहचान में आ रहा है 3G 2G पीएफओ यहाँ पे WTR क्या है आरएफ जी हम लोग को पहले इतना बड़ा हुआ था जी जी लगता है इतनी अब देखिए कि 5 मिनट के अंदर ट्रेसिंग कर लिया ट्रेसिंग कर लिया कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए अगर नेटवर्क सेक्शन की हम बात करें तो ऐसे की नहीं कि आप यहाँ पे कोई भी WTR आ रहा है SDR आ रहा है या MTK का 6C आ रहा है आप सीधा उसे चेंज कर दोगे नहीं सर पहले उसको ट्रेसिंग करेंगे वोल्टेज प्रॉपर देखेंगे उसके बाद ही IC पे हाथ जी ऐसे ही फालतू मेरा जब तक ट्रेसिंग नहीं होता है तब तक IC उखाड़ने की कोई यहाँ पर सबसे बड़ा वोल्टेज और ट्रेसिंग ओके तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर बिना नॉलेज के मार्केट में उतरना क्या जरूरी है क्या अगर सर बिना नॉलेज के उतरेगा ना तो हर दिन में एक भी मोबाइल नहीं बना पाएगा यूट्यूब ही देखते रह जाएंगे यूट्यूब पर कुछ है क्या नहीं यूट्यूब में क्या तो फेक ज्ञान है प्रॉपर इतना ज्ञान है कि हम घंटों का मिनट में कर सकते हैं जी जी अगर सही वे से नॉलेज मिले तो ओवरऑल देव सर का पढ़ाने का तरीका कैसा रहा सबसे बेस्ट और बाकी हम लोग को तो सर आज इतना था कि अगर सर बताते नेटवर्क लोग हम लोग लड़का ग्रुप में बोल रहे थे इतना बड़ा डेंडस है मगर सर इतना अतिश बताए कि बहुत इजी कर दिए हम लोग को जो पहाड़ था ना तो लगता है कभी फुल बन गई ओके तो ओवरऑल यहाँ के जो टीचर्स हैं उनका सपोर्ट कैसा है बहुत अच्छा उनका पढ़ाने का तरीका कैसा बहुत है अच्छा। समझ में आ रहा सारी चीज़ें चलिए ठीक है कंटिन्यू करिए क्या कर रहे हैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ सर ट्रेसिंग कर रहे हैं तो इसमें भी WTR लगा हुआ है तो क्या इसका WTR और किसी WTR का चेंज है क्या नहीं सर सब सेम काम करता है कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए सर चलिए ठीक है कंटिन्यू करिए क्या कर रहे हैं अभी आप डायग्नोस किया है ट्रेस कर रहे हैं कैसा रहा आज नेटवर्क सेक्शन आपका समझ में आ रहा सारी चीज़ें क्या बोलना चाहेंगे जो स्टूडेंट देख रहे हैं आपको मतलब तो आप जो सोचे थे वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है चलिए ठीक है कंटिन्यू करें तो गाइस जैसा कि आपने देखा आज हमारी नेटवर्क सेक्शन की क्लास कंप्लीट हुई थी जैसा कि मैं आपको यहाँ पे सारे स्टूडेंट का ओवरऑल ये वर्क कर रहे हैं सभी स्टूडेंट यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं यहाँ पे ऐसा कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कि नेटवर्क सेक्शन ना समझ में आए ऐसे आप मिलते रहें थैंक यू सो मच Thank you.
सर मैं लगे पावर आईसी किया, सीपीओ किया। जब सीपीओ किया तो एक अंदर आए मतलब सर? हाँ सर, एकदम बढ़िया है। इन्हें सीपीओ करवा दिया, ये तो है मतलब। हाँ सर, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डे तो एकदम बढ़िया सा काम किया, डबल लेकर। यहाँ पे क्या क्या किया? लाइव सीपीयू और पावर आई, पावर आई सी, और बाद में अब ये लास्ट दिन क्या करके गए? डबल डे, डबल डे का आपने किया जी सर? से हाँ सर, डिसिप्लिन सब चीज़ है सर, यहाँ पे जो होनी चाहिए इंस्टीट्यूट में, जो सीखने के लायक जो चीज़ होनी चाहिए सब चीज़ अवेलेबल। लाइव क्या किया आपने? या सर लाइव मैंने सीपीयू लगाया, पावर एसी लगाया। आखिर दिन क्या किया? डबल डेकर। क्या हमने आपको बताया कि बोर्नियो कितना मतलब कितना बोर्नियो गलत है? हाँ सर, कि बोर्नियो ने आधा दूरा ज्ञान दे। हाँ सर, क्योंकि बना रहे हमारे जैसे ही लड़के। वो भी बताया था कि नहीं बताया था? आप स्टूडेंट आते हैं कि नहीं सिखाते सर? यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जी जिसने पीसीबी पे कोई भी कंपोनेंट छोड़ा हो। बिल्कुल। हाँ। कनेक्टर से लेके कंपोनेंट से लेके लास्ट क्या करके गए आप? सर डबल डेकर किया था। डबल मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में अच्छे से सीखना है तो एशियन टेलीकॉम में आया। आपने कभी आईसी पे काम किया था? कभी नहीं। यहाँ पे लाइव क्या किया आपने? लाइव सीपीयू भी लगाया, आईसी पे भी लाइव काम, पावर आईसी पे काम और आईसी पे। लास्ट डे क्या करके गए बताइए? डबल डेकर। डबल डेकर मैं जानना चाहता हूँ, लास्ट डे क्या करके गए आप? सर लास्ट डे डबल डेकर किया। डबल डेकर राहुल राज, लास्ट डे डबल डेकर करके गए। बताओ कि लाइव क्या करके गए? सर लाइव 4G सीपीयू निकाला, पावर आईसी बनाया उसको। हां सर, एक बार राहुल के लिए जोरदार ताली बजाइए भाई। सर लास्ट डे अपन ने मतलब ड्यूल टेकर पर वर्क किया, क्लीनिंग प्रोसेस पूरा सर। आपने तो तीन टाइम किया ना उसको? हाँ हाँ हाँ, मेरे वो ब्लैक पेस्टेड फोन था वो मैंने खुद ऑन किया और सर को दिखाया। दिखाई आप क्या क्या काम किया? लाइव पावर एसी और लाइव सीपीयू किया। और लास्ट डे क्या करके गए? ड्यूल टेकर। ड्यूल टेकर लाइव क्या किया आपने? सारे टोटल लाइव किया, ईएमसी है, ईएमसी लाइव पावर सीपीयू लगाया कि नहीं लगाया? सीपीयू टोटल लगाया, टोटल लगाया है। लास्ट डे क्या करके गए? डबल टेकर। डबल टेकर तो आखिरी दिन क्या किया आपने? ड्यूल टेकर। ड्यूल टेकर बढ़िया तरीके से। Yes, sir, आप किस पर? मेरे साथ लाइव क्या किया आपने? लाइव डुअल डेकर आपका लास्ट डे क्या किया? लास्ट डे डुअल डेकर किया। हाँ दोस्तों, बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गया? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबोल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर सीपीयू। डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए? सर डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डबल डेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल डेकर सीपीयू। डबल डेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? एशियन टेलीकॉम। कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपसे क्या करवाया? सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया? डुअल डेकर सीपीयू। डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? सर ड्यूल सीपीयू। ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। कौन क्या किया आज के दिन बताइए बस? सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट Thank you.